इसके चेंज करने पे देखो ऊपर मेरे पास आईडी आ रही है, इसका मतलब है कि मेरे पास वैल्यूज क्या हो रही है, पिक हो रही है। अच्छा अगर मेरे पास देखो बेटा वैल्यू अगर मेरे पास पिक हो रही है यहाँ पर, ठीक है पिक हो रही है ना मेरे पास वैल्यू की वैल्यू, मुझे ना इधर इको करा के चेक करना है कि मेरे पास इको में आ रहा है या नहीं आ रहा। बात समझ रहे हो? मुझे क्या करना है, इको भी करा के चेक करना है कि मेरे पास इसमें वेरिएबल में वैल्यू जानी चाहिए, किसके पीएचपी के, समझ रहे हो? पीएचपी में वैल्यू जाएगी तो मैं डेटाबेस से फेच कराऊंगी ना, सही है ना? जावास्क्रिप्ट से तो मैं डेटाबेस से फेच नहीं करा सकती, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास एक अलर्ट तो आ रहा है साथ में, ठीक है? अब मैं इस स्क्रिप्ट के अंदर बेटा ये देखो मैंने पीएचपी का खोला टैग और ये पीएचपी का टैग मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है? डॉलर मैसेज जो भी है मेरा, मैंने कहा ये बराबर किसके है मेरे पास स्क्रिप्ट के अंदर की वैल्यू के बराबर है, समझ में आ रही है बात? फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। विंडो डॉट लोकेशन डॉट आर ई एस और यहां मैंने अपनी डिफाइन करना है। अच्छा मुझे जाना इसी पेज पे, इस पेज पे चेंज कर दिया है, आर ई एफ नहीं देखनी है, हाइपरलिंक नहीं है, मेरे पास सिंपल लोकेशन है। तो लोकेशन में मैंने ये दे दिया एड प्रोडक्ट पीएचपी कैटेगरी आईडी और मेरे पास ये वैल्यू इक्वल्स टू करके मैंने इसको दे दिया। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैं इसको चेंज कर रही हूँ, ठीक है मैंने मेन सेलेक्ट किया, ठीक है या मैंने किट सेलेक्ट किया तो मेरे पास किट पे ये आ रहा है, ठीक है मैं मेन सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास मेन पे आना चाहिए, मेन नहीं चल रहा। पहला वाला चलना चाहिए, ऑन चेंज हो तो गया, मैन लिखा हुआ है लेकिन मैन चला नहीं रहा, डिफॉल्ट आ रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा इसके ऊपर मैं एक वो दे देती हूँ ना डमी, ये मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो इधर एक और मैं ऑप्शन बना रही हूँ, ठीक है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सही है? ऑप्शन में मैंने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट, क्या लिखा हुआ है सिलेक्ट लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे यार सिलेक्ट, अब मैं मेन सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास मेन आएगा, ठीक है? अच्छा अब मेरे पास अगर चेंज हो गया है बेटा तो मेरे पास ये रहना भी तो चाहिए ना, स्टे भी तो रहना चाहिए, पेज चेंज हो रहा है जो भी है मेरे पास, आईडी है मेरे पास, ठीक है तो मुझे यहाँ पे मेरा ये नेम भी मेरे पास क्या होना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, यानी मेरे पास वो ही वाला सिलेक्टेड भी रहना चाहिए, ठीक है? इस पे पहले हम बाद में फोकस करेंगे, बात इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आ रहा है अभी मेरे पास ये जो सी आई डी टू जो भी आ रही है कैटेगरी, इसके हिसाब से मुझे नीचे की ड्रॉप डाउन को क्या करना है, फिल करना है,
ठीक है, तो सबसे टॉप पर आ जाओ, यहां आके क्या लगाओगे? इफ। क्या लगाया मैंने? इफ। इस सेट में मैं क्या चेक करूंगी? डॉलर अंडरस्कोर गेट, ठीक है, यूआरएल में मैंने जो वैल्यू पास करी उसका नाम क्या है? सीआईडी, ठीक है, वो मैंने यहां पे लगा। यहां आ जाओ, डॉलर सी कैटेगरी आईडी इस इक्वल्स टू किसके बराबर है? इसके बराबर है, हाँ। अब कनेक्शन में देखो, हमारे पास सेलेक्ट डाटा के लिए मेरे पास एक क्यूरी पास हुई हुई है, ठीक है, स्लाइडर के लिए मेरे पास हुआ हुआ था, ठीक है, और मेरे पास डिलीट के लिए था, अपडेट, इंसर्ट, गेट ड्रॉप डाउन था, जिसमें हम कैटेगरी आईडी पास कर रही थी मैं, या कैटेगरी नेम पास कर रही थी, तो मेरे पास चीजें उठकर अभी आ रही थी। एक ये भी आप यूज कर सकते हो और एक अपनी क्यूरी के तहत भी आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं सिलेक्ट डाटा में जो भी काम करूंगी मैं अपनी क्यूरी खुद पास करूंगी, ठीक है ना। मुझे सिलेक्ट डाटा करवाना है, कॉपी किया मैंने, डॉलर सब कैट इज इक्वल्स टू डॉलर बीबी क्लास बिलोंग्स, क्या मंगवाना है मैंने, और यहां मैंने अपनी क्यूरी पास करनी है, ठीक है। आपके फोन फ्रॉम, ठीक है, किस टेबल से निकालना है? सब, जो टेबल का नाम है देख लेना भाई, टेबल का नाम क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, एस बी है, यू नहीं है, ठीक है। मेरे पास सब कैटेगरी वेयर, वेयर मेरे पास सब कैटेगरी के टेबल में स्ट्रक्चर पे आ जाओ, वेयर वेयर कैटेगरी आईडी, वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल्स टू डॉलर कैटेगरी आईडी, ये वाला सही है, ये यहां से फेच हो जाएगा, ठीक है। फैच होने के बाद यहां जब नीचे आओगे, इधर यहां पे, इधर इसके ऑप्शन में जानी, ये वाले ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, ये वाला, इधर इधर काम करना है, यहां पीएचपी का टैग खोलूंगी मैं और पीएचपी का टैग यही बंद करूंगी मैं। इफ की कंडीशन लगाएंगे हम, इफ की कंडीशन में हमारे पास सब वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, देखो ये वाला तो मैं एज इट इज एज कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे कहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, चीजें चेंज होंगी। अब मेरे पास कैटेगरी डाटा नहीं है, मेरे पास क्या है? सब कैटेगरी, ठीक है, जिसमें मैंने डाटा फेच करवाया, ये रहा। अच्छा, अब मेरे पास रॉ नहीं रहेगी, रॉ वन करूंगी मैं, क्या करूंगी मैं, रॉ वन करूंगी, ठीक है, सब कैटेगरी से फैच होगा। अच्छा, मुझे यहाँ जो डिस्प्ले कराना है वो सब कैटेगरी की आईडी है और सब कैटेगरी का नेम है, सही है, इस तरह अलग से ऑप्शन इसका भी लगा देना अगर लगाना है तो, वरना लगाने की जरूरत नहीं है। सेव करा मैंने, यहां आए, रिफ्रेश करा, ये देखो आ रही है, सिर्फ शर्ट्स है, वुमेन में यहाँ पे आओ, शर्ट से आ रही है, यहाँ मेन पे आते हैं तो मेरे पास यहाँ पे शूज शर्ट जीन्स सब आती है, सही है।
ये रह ये गया कि यहाँ डिस्प्ले में मेरे पास आना चाहिए क्या चीज मेन, कि मेरा मेन सिलेक्टेड है। और अगर मैं इन्फेंट्स पे आती हूँ तो देखो मेरे पास ड्रॉप डाउन खाली आएगा। किड्स में आई मैं, किड्स में मेरे पास सिर्फ शर्ट्स एंड जीन्स मौजूद है। जो डेटा बेस के अंदर मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है वही आ रहा है डिस्प्ले में। बात समझ में आ रही है? इसको कर लो फिर पिक्चर वाला नेक्स्ट में करवा दूंगी, मसला नहीं है। इनसेट का कोड एज इट इज एज वैसे ही लगेगा।